हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज़ को। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द 34th चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। कर्नाटका हाई कोर्ट के अभी रिसेंटली नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। तो कर्नाटका हाई कोर्ट के कौन बने हैं 34th चीफ जस्टिस? तो उनका नाम है जस्टिस नीले विपिन चंद्र अंजारिया। राइट, जस्टिस नीले विपिन चंद्र अंजारिया। जस्टिस रितु बारी ये कहाँ की चीफ जस्टिस बनी थी? ये बनी थी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की ये चीफ जस्टिस बनी थी और फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी उत्तराखंड की। डी वाई चंद्रचूड़ ये तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जस्टिस एस वैद्यनाथ ये कहाँ के हैं? ये है मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। राइट, तो ये मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है और डी वाई चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जस्टिस नीले विपिन चंद्र अंजारिया। राइट, अब बात आती है कि जो चीफ जस्टिस होता है उसको ओथ कौन दिलवाता है? तो चीफ जस्टिस को ओथ दिलवाने का काम होता है स्टेट के गवर्नर का। राइट, नेक्स्ट है, कर्नाटका क्रिकेटर के हौसाला पासस अवे रिसेंटली बिकॉज ऑफ। अभी रिसेंटली कर्नाटका के एक क्रिकेटर की डेथ हुई है जिनका नाम था के हौसाला। तो उनकी डेथ किस वजह से हुई है? तो उनकी डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। अब देखो उनकी एज कितनी थी? उनकी एज थी जस्ट 34 ईयर्स के थे और उनकी कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ हो गई है। नेक्स्ट है, एम्स मंगलागिरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? एम्स मंगलागिरी का रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, तो ये कौन सी स्टेट के अंदर पड़ता है एम्स मंगलागिरी? तो एम्स मंगलागिरी आता है आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। तो इस ये जो एम्स मंगलागिरी है ये एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल रहेगा जहाँ पे 960 बेड्स होंगे और 125 मेडिकल सीट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी और टोटल कॉस्ट कितनी आई है 1618 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आई है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में इन्होंने एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबॉरट्री का भी इनॉग्रेशन किया है। फोर मोबाइल टेस्टिंग लेबॉरट्रीज का भी इनॉग्रेशन किया है आंध्र प्रदेश के अंदर ही। और विशाखापट्टनम में एक एडवांस्ड माइक्रोबायोलॉजी फूड टेस्टिंग लेबॉरट्री का इनॉग्रेशन किया है। राइट, नेक्स्ट है, व्हाट इज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, सॉरी वेयर इज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड इनॉग्रेट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट? जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है उन्होंने रिसेंटली अपना पहला सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया है। तो कौन सी स्टेट के अंदर ये जो सोलर प्रोजेक्ट है वो इनॉग्रेट किया गया है? तो स्टेट का नाम है राजस्थान। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये क्या है? ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। राइट, मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सीपीएसई। अब ये जो सोलर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है उससे कितनी एनर्जी जनरेट होगी पर ईयर? 370 मिलियन यूनिट्स जो एनर्जी के जनरेट किए जाएंगे, जो कि 60,000 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए सफिशियंट रहेंगे। और इसके साथ साथ हर साल वहाँ पे 3 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अमिशन जो है वो भी कम वहां पे जो है प्रोड्यूस होएगा। राइट, तो 3 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अमिशन को भी हम कम कर पाएंगे और साथ ही साथ 60,000 हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर पाएंगे थ्रू दिस सोलर पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, वेयर इज SJVN इनॉग्रेट्स 50 मेगावाट गुजरी सोलर पावर प्लांट? 50 मेगावाट का जो गुजरी सोलर पावर प्लांट है वो कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर इनॉग्रेट किया गया है बाय SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम ने इसको इनॉग्रेट किया है। कितने मेगावाट का है? तो ये है 50 मेगावाट का। राइट, और इसकी जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है वो कितनी है? 2277 मेगावाट की इसकी टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है। और इसकी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आई है वो कितनी है? 281 करोड़।
नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर इस्टेब्लिश्ड एट गति शक्ति, जो पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर है इंडिया का वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो वो IIT शिलोंग के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च सेंटर, राइट, गति शक्ति रिसर्च सेंटर है IIM शिलोंग के अंदर इसको सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट है विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द 38th कंट्री इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड 38th कंट्री इन द वर्ल्ड टू रेटिफाई ILO कन्वेंशन नंबर 190 ऑन वायलेंस एंड हरासमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्क प्लेस पे जो भी वायलेंस होता है हरासमेंट होती है तो उससे रिलेटेड ये जो है ILO कन्वेंशन है। तो वो एशिया की पहली कौन सी कंट्री है जिसने इसको रेटिफाई किया है, तो एशिया की कंट्री का नाम है फिलिपाइंस, और राइट और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बन गई है 38th कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 38th कंट्री है, और एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया की ये फर्स्ट कंट्री है, राइट। नेक्स्ट नेम इंडिया फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर, इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर कौन बनी है, तो उनका नाम है जयसिंथ कल्याण, जयसिंथ कल्याण है इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर। पिच क्यूरेटर कौन होता है, पिच क्यूरेटर होता है जो कि ग्राउंड को लेवल करता है, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड है तो क्रिकेट ग्राउंड को जो है उसको लेवल करना, उसको अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस उसको प्रॉपरली तैयार करना खेलने के लिए, तो उसको बोलते हैं पिच क्यूरेटर। तो इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर कौन है, जयसिंथ कल्याण। नेक्स्ट है धर्मा गार्डियन इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, अभी ये जो धर्मा गार्डियन नाम की है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में ये होने जा रही है धर्मा गार्डियन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 25th February से लेकर 9th March तक ये एक्सरसाइज चलेगी, कहाँ पे होने जा रही है इंडिया के अंदर, ये राजस्थान के अंदर हो रही है, और यहाँ पे जो इंडियन आर्मी की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बटालियन फ्रॉम द राजपूताना राइफल्स, राजपूताना राइफल्स की बटालियन इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करेगी, और जापान की तरफ से 34th Infantry Regiment इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, राइट। नेक्स्ट कुछ और न्यूज है जिसमें से पहली न्यूज क्या है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ मिलकर इसको इंडिया में सेटअप किया जाएगा, राइट। अब ग्रेन स्टोरेज मतलब कि जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं जो भी है वीट राइस जो उगाए जाते हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए ये सेटअप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी रहेगी, 700 लाख मैट्रिक टन ग्रेन्स जो है वो इसमें स्टोर हो पाएंगे, और अगले 5 साल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और टोटल कॉस्ट इसके कितनी आएगी, 1.25 लाख करोड़ रुपीज इसकी टोटल कॉस्ट रहेगी। फिर नेक्स्ट पाकिस्तान की न्यूज है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रोविंस है, पाकिस्तान वाली साइड पे जो पंजाब प्रोविंस है वहां की नई CM बनी है, और वो पहली विमेन CM है, पहली विमेन CM है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की, जो कि अभी CM रिसेंटली बनी है, उनका नाम क्या है, मरियम नवाज, जो नवाज शरीफ थे उनकी ही बेटी है ये मरियम नवाज, उन्होंने वो बनी है पहली विमेन CM ऑफ द पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस, और उन्होंने टोटल कितने वोट्स जीते हैं, 220 वोट्स के साथ वो जो है उन्होंने जीते हैं, 220 वोट्स के साथ वो CM बनी है, और उनके जो राइवल थे जो उनके अगेंस्ट खड़े थे आफताब खान, उनको कोई भी वोट नहीं पड़ी, राइट। नेक्स्ट है गर्भिणी GA2, गर्भिणी GA2 ये क्या है, IIT मद्रास एंड थ्रिस्टी ने डेवलप किया है इंडिया स्पेसिफिक AI गेस्टेशन एज एस्टीमेशन मॉडल, ये एक गेस्टेशन एज एस्टीमेशन मॉडल है, इसमें जो गेस्टेशन एज होती है यूजली जो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेग्नेंट लेडीज के में, जो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो फिटनेस की एज होती है गेस्टेशन एज जिसको बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा एक्यूरेटली पता करने के लिए ये जो गर्भिणी GA2 है इसको इंडिया के अंदर शुरू किया जा रहा है,
राइट। अब ये कौन सी जो दो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया है, तो उनका नाम है, एक आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास, एंड दूसरा है थ्रिस्टी। थ्रिस्टी क्या है? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद, राइट। IIT मद्रास एंड ये जो थ्रिस्टी जो भी है THSTI, तो ये फरीदाबाद की है। इन दोनों ने मिलकर ये पहला इंडिया स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है, जिससे कि जो फीटस है उसकी एज को डिटरमाइन किया जाएगा, स्पेशली सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, राइट। फीटस की जो एज है, पहले भी वैसे तो हम पता करते थे, लेकिन उसमें एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन ये जो अब नया मॉडल आया है, इसमें जो एक्यूरेसी होगी ना फीटस की एज की, वो एक्यूरेसी यहाँ पे ज्यादा होगी और एरर के चांसेस कम होंगे। एक्यूरेट गेस्टेशनल एज इज नेसेसरी फॉर द अप्रोप्रिएट केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अब उनकी अप्रोप्रिएट केयर के लिए हमें गेस्टेशनल एज ज्यादा एक्यूरेटली पता हो, तो हम ज्यादा अच्छे से केयर कर सकते हैं उनकी, बच्चे की भी और माँ की भी, और जो डिलीवरी डेट्स होती है, डिलीवरी डेट्स को भी हम और ज्यादा एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाएंगे। वैसे पहले भी डिलीवरी डेट्स बताई जाती है ना कि इस डेट को आपकी डिलीवरी होने के चांसेस है, लेकिन वो जो डेट्स होती है ना वो आगे पीछे हो जाती है, वो एक्यूरेट नहीं होती। बट ये जो है गेस्टेशनल एज, इससे हम जो गेस्टेशनल एज है उसको गेस्टेशनल एज को भी हम एक्यूरेटली पता कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो डिलीवरी डेट्स है उसको भी हम और अच्छे से पता कर पाएंगे। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है गर्भिणी GA2। गर्भिणी GA2 के थ्रू हम एक तो गेस्टेशनल एज को एक्यूरेटली पता कर पाएंगे, दूसरा हम डिलीवरी डेट्स को भी एक्यूरेटली पता कर पाएंगे, राइट। और ये कब से शुरू हो जाएगा? जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लास्ट होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट से हम जो चेकअप करना शुरू कर देंगे, उसके बाद सेकंड और ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में हम जो गेस्टेशनल एज होगी उसको भी पता करेंगे, और साथ ही साथ जो डिलीवरी डेट्स है वो भी एक्यूरेटली बता पाएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।